हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं NCL HEMM ऑपरेटर करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फरवरी महीने का। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है हैदराबाद। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। दो नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में आयोजना की गई थी? उत्तर है भुवनेश्वर में। तीन नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय MSSE पुरस्कार सामोहर में आयोजित किए गया था? उत्तर है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक समुद्री सूक्ष्म जीव की वृद्धि दर और चीनी सामग्री में सुधार करने के लिए सेंचरो न्यूज़ PCC 702 द्वारा विकसित किया गया था? उत्तर है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित किया गया था। उत्तर है एजेंटा 3.0, EASE एजेंडा में से संबंधित है। उत्तर है बैंकिंग सुधार। रिस्प्रिंग्स पहला भुवनेश्वर में द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर जनजाति मामलों का मंत्रालय में। सात नंबर क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन ने हाल ही में भारतीय स्कूल में कृत्रिम बुद्धि माता मॉड्यूल को क्रियान्वित करने के लिए निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? उत्तर है सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ से हाथ मिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान भवन में मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था? उत्तर है वुमेन इन साइंस। क्या था? वुमेन इन साइंस। नौ नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने बाजार बुद्धि माता एवं अग्रमी चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? उत्तर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। रिस्पेंसिबल आई एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एम्पावरमेंट 2020 का आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना IAF और रॉयल एयर फोर्स ने संयुक्त रूप से देश में अभ्यास इंद्रधनुष के 5वें संस्करण की शुरुआत की है? उत्तर वायुसेना स्टेशन हिंडन ने। हाल ही में वायु शब्दावली के मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संपन्न हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन पर सम्मान में आयोजित किया गया है? उत्तर है नई दिल्ली में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार कौन सा देश PM2.5 के लिए सबसे प्रदूषित देश उभरा है? सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 2.5 PM जो है वो प्रदूषित देश है। किसे आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आदर्श पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए 27 फरवरी को नोवल कोरोना वायरस हीट के लिए एक विमान भेजा गया? उत्तर है वुहान में। किस राज्य को हाल ही में 100% LPG कार्बेज मिला है? 100% LPG कार्बेज किस राज्य को मिला है? हिमाचल प्रदेश को। एकाधिक संकेतक क्लस्टर सर्वे में द्वारा जारी विकसित किया गया है? उत्तर संयुक्त राष्ट्र बल कोष को। उत्तरी पूर्व सतत विकास लक्ष्य में
कॉन्क्लेव में आयोजित किया गया था। उत्तर है असम राज्य में, असम राज्य के वर्तमान समय जो मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू डार्ट नेटवर्क से संबंधित है। उत्तर है अमेरिका की भारतीय प्रशांत रणनीति, भारत की विधि योजना है। उत्तर है गौर वैधानिक निकाय। हाल ही में जारी स्थिरता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? उत्तर है 77वें। निम्न में से किस राज्य विधायिका ने हाल ही में स्थानीय निकायों के सदस्यों से सरपंच या ग्राम प्रधान के चुनाव की अनुमति देने वाला विधायक परिषद किया गया है? उत्तर है महाराष्ट्र। वर्तमान समय में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वह उद्धव ठाकरे। हाल ही में वैज्ञानिक ने देश में एक नई केव फिश की खोज की है। उत्तर है मेघालय ने, मेघालय ने केव फिश की खोज की है। भारतीय वायुसेना के NAA-32 विमान ने इतिहास रचा जब उसने भारतीय जेट ईंधन के 10% मिश्रण का उपयोग किया। ईंधन को जेट्रोफा तेल से बनाया जाता है और यह फिर किससे संबंधित है? उत्तर है CSIR, CIP देहरादून, देहरादून में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद मलाई महादेश्वर वन्य अभयारण्य टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जब राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। तो वो वन अभयारण्य सीमा कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। हाल ही में पक्के टाइगर रिजर्व के माध्यम से 692 किलोमीटर के निर्माण की परियोजना को राज्य द्वारा नियमित प्रदान की गई है। उत्तर है अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को की गई है। किसने IRB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीति कुमार। राष्ट्रीय एकता शिविर के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घाटन में किया गया है? उत्तर से सिक्किम को किया गया है। राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियन 2022 में आयोजित किया जाएगा? उत्तर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय मंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियन 2022 में चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर करें और भी वीडियो देखने के लिए दिए गए चैनल के प्ले स्टोर में जरूर विजिट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।